हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हमने पढ़ा था लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। उसके बाद पढ़ा था हमने बेसिक क्या होता है, और उसके बाद पढ़ा था हमने डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होती है। इसमें हम निकालना सीखेंगे कि हमारे पास सेट ऑफ वैक्टर्स है v1, v2, v3, v4। तो उसमें हमारे पास डायमेंशन एंड उसके बाद नलिटी, ये चीज देखेंगे। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द बेसिक ऑफ नल स्पेस ए एंड द डायमेंशन ऑफ नल ए। ये हमारे पास नलिटी ऑफ ए की डायमेंशन निकालनी है। तो बेसिकली ए बराबर ये है हमारे पास। बाय डेफिनेशन द नल स्पेस ए इज द सॉल्यूशन ऑफ, बेसिकली क्या किसका सॉल्यूशन होता है, ए एक्स बराबर जीरो इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से अगर हमारे पास इसको लिख दिया हमने ए बराबर, बेसिकली ये रो इक्विलियन फॉर्म में चेंज किया, तो चेंज करने पे हमारे पास ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम अगर देखें तो बेसिकली फ्री पैरामीटर्स कितने हैं, फ्री पैरामीटर्स इसमें हमारे पास देखें तो टू, तो हमारे पास यहाँ से नॉन जीरो रो है, और वेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4। तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 जो है वो हमारे पास फ्री पैरामीटर्स हैं, यानी जिनको हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सपोज इसको हमने लिख लिया, सॉरी 3 माइनस 1, नंबर ऑफ वेक्टर्स नहीं, नंबर ऑफ, हाँ सॉरी 4 नंबर ऑफ वेक्टर्स ही करते हैं। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये x1, x2, x3, x4, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 +0 x2, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, +6 x3 +5 x4 = 0। और यहाँ से लिख सकते हैं x2 5/2 x3 +3/2 x4 = 0, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल्स को हमें एज्यूम करना होगा। तो दो वेरिएबल को जब हम एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे सपोज कि हमने x4 को एज्यूम कर लिया और x3 को एज्यूम कर लिया। तो वहां से जब इसको हमने t1 एज्यूम कर लिया, इसको t2 एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी एंड x1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि किस फॉर्म में आएगी अगर हम देखें। तो यहाँ से मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिंपली जनरल भी बता रहा हूँ। जब सॉल्व करेंगे आप तो जो पहले जो वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेसिकली 6 t1 माइनस का -5 t2। और जब यहाँ से आएगी x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 5/2 माइनस का, ये हमने x2 माना, t1 माना था, -3/2 t2। और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, एक का आ जाएगा t1, एक का t2, ये इस तरह से आ जाएगा। अब बेसिकली अगर हमने यहाँ ठीक है x3 को t1 माना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -6 -5/2, सॉरी -5/2 -6 अगर यहाँ पे लिया है हमने, तो -5/2, और ये आ जाएगा t1 के कोफिशिएंट देख रहे हैं तो यहाँ 1 एंड 0 ये, एंड सेकेंड आ जाएगा हमारे पास यहाँ से -5 -3/2 0 एंड 1। तो ये फॉर्म में आ गई, तो ये बराबर फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, t v1 +t v2, यानी कि दो हमारे पास वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दो वेक्टर्स की फॉर्म, दो वेक्टर्स जो बेसिक में है वो दो वेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे v1 एंड v2। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन जो हो चुके, डायमेंशन ऑफ नल जो नलिटी जो है उसकी डायमेंशन हमारे पास 2 आ चुकी है, क्योंकि दो वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ नलिटी ए बराबर 2 आ चुकी है। अब डायमेंशन आ चुकी है हमारे पास, जो 2 आ चुकी है, अब हमारे पास एक रिलेशन होता है कि डायमेंशन प्लस रैंक, डायमेंशन प्लस रैंक जो है वो एन के इक्वल होते हैं, या यहाँ से करें डायमेंशन ऑफ ए बराबर जो होता है वो होता है एन माइनस रैंक, या रैंक की बात करें तो रैंक होता है हमारे पास एन माइनस डायमेंशन।
तो यहाँ से फ्रेंड्स एन माइनस रैंक के यानी वेक्टर्स कितने थे हमारे पास, फोर, फोर माइनस रैंक के कितनी आई थी, टू, तो ये हो गया टू। बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं रैंक ए की अगर हम बात कर रहे थे, रैंक ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से रिलेशन इसके और इसकी हेल्प से, तो हो जाएगा हमारे पास एन माइनस डायमेंशन ऑफ नल ए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2, तो रैंक भी हमारे पास इसकी 2 आ चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे एग्जांपल है, इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व भी नहीं दिखा रहा, आप सिर्फ देख सकते हो इसको। सिंपली डायमेंशन ही निकाली जो कि 3 आई थी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम द रैंक थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।